हाय, माय नेम इज़ तरहा। आज मैं आपको ब्लेंडर पे एक नया कैरेक्टर बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले ऐड सबसे पहले ऐड क्यूब, प्रेस टैब एंड टैब एम Add crosses, अब हम जाएंगे नियमार स्किन मॉडिफाई और सब डिवीजन सर्फस। सब डिवीजन सर्फस पे हम लेवल 2 करेंगे। सिलेक्ट एवरीथिंग, प्लाई टैप टू प्लाई अप्लाई करेंगे, फिर स्किन मॉडिफाई को अप्लाई करेंगे और अब साउंड डिवीजन को अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करके अब टैप दबाएंगे टैप और सिलेक्ट करेंगे, फिर गेन मीएमआर टैप एंड अप्लाई। ये थोड़ी सी एग वाली शेप आ गई है, तो अब इसकी टांगे बनाते हैं। इसकी टांगे बनाने के लिए हमें मैं सेलेक्ट करूंगा क्लू रेंडर तो थोड़ा पतला करते हैं और अब करते हैं थोड़ा बड़ा। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। पहले हमने इसको स्टार्ट किया, अब हम दो को छोड़ के इसको स्टार्ट करेंगे, बारी बारी करेंगे स्टार्ट। अब इसको स्टार्ट किया और इसको स्टार्ट किया,
सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब प्रेस भी प्रेस डी इसको अब इसी तरह इसके हाथ बनाते हैं। अगेन अगेन फिर से वो तुम्हारा करने में फैल गया है फिर बनाते हैं हाथ। तो हाथ बनाने के लिए करना पड़ेगा हमें ये सेलेक्ट करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे ऊपर वाला हिस्सा, इसको थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं, फिर करेंगे ये वाला हिस्सा, फिर करेंगे ये वाला हिस्सा, फिर करेंगे ये वाला हिस्सा और लास्ट में करेंगे ये वाला हिस्सा। इसको और अंदर कर लेते हैं और इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं ज़्यादा और इसको प्रेस टैप कुछ इस तरह से नजर आएगा ये वाला हाथ। हाथ को पैर के मुताबिक करना है और थोड़ा सा आगे करेंगे हाथ को, अब थोड़ा सा आगे करेंगे हाथ को, अब बनाते हैं थोड़ा सा अच्छा सा हाथ। अगेन सेलेक्ट और टैब डी जैसे पैर बनाए हैं वैसे ही हाथ बनाएंगे। तो
छोड़कर एक दो, फिर से सिलेक्ट करेंगे। अब ई दबा के फिर से अभी करते हैं इस, अब करते हैं थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा करते हैं। ये बन गया हाथ, इसी तरह ही सिलेक्ट करते हैं पूरे को। और होते हैं शिफ्टी, शिफ्ट बन गया इसका हाथ पाँव। और अब बनाते हैं इस के आंखें, अब बनाते हैं इसकी आंखें, तो देखें कैसे बनता हूँ मैं। सिलेक्ट एट इसको शेप देने के लिए हार्ड से इसको थोड़ा और इसको थोड़ा सा एग की शक्ल में देंगे। तो अब हो गया एग की शक्ल में, इसकी आंख बनाते हैं। अब
आर दबा के फिर इसको सेंटर में लेके आते हैं। स्मूथ कर देते हैं। इसको स्मूथ कर देते हैं ताकि इसकी जो सी लाइनिंग है वो खत्म हो जाए। अभी से करते हैं कलर कलर करने के लिए। पहले बैकग्राउंड व्यू थोड़ा सा ले लें, बैकग्राउंड व्यू भी थोड़ा सा ले लें तो अब बनाएंगे इसके फॉन्ट बनाने के लिए। तो इसको सिलेक्ट सेलेक्ट मेमा सेलेक्ट मेमा सेलेक्ट मियमर और इनको सेलेक्ट करेंगे ताकि दोनों तरफ शेप मिल जाए। तो पहले करेंगे इसको थोड़ा सा
स्माइली तो करते हैं करते हैं स्मूथ कर दो। सेलेक्ट करते हैं कैमरा, कैमरा सेलेक्ट किया तो अब हम करेंगे इसको कलर। तो कलर करने के लिए सबसे पहले हम स्केच करेंगे इसके फेस को। इसको करेंगे हम ग्रीन, ग्रीन इसको ज़्यादा ग्रीन करेंगे। तो ग्रीन और अब उसके बालों को करेंगे ग्रीन। अब वन बाय वन कलर हो गया तो अब लाइट लाइट का बंदोबस्त करते हैं। लाइट करने के लिए ये लाइट पे आके पॉइंट को प्रेस करते हैं। ये आगे पॉइंट इसको पॉइंट को आगे करना पड़ेगा थोड़ा सा। इसकी वो 10 है, इसको बढ़ाकर वो तकरीबन 500 पे लेके जाना पड़ेगा। 500 अब आ गए और हम इसको करेंगे व्यू पॉइंट करेंगे तो हमें शेडो नज़र आएगा, सारे कलर नज़र आ जाएंगे। अब ये बन गया मेरा करेक्टर, तो अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के लिए इमेज पे जाते हैं, इमेज और सेव एज, सेव एज। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।